दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे चैनल आइडियाज लाया हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वहां से बस वीडियो को उठाना है और अपने चैनल पर अपलोड करना है। इसमें आपको अपनी फेस को रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो वहां से उठाना है और अपने चैनल पर अपलोड करना है और आप लाखों रुपया महीने के कमा सकते हो। दोस्तों अगर मैं ये चैनल के अर्निंग की बात करूँ तो 1,000 से 15,000 डॉलर ये चैनल की अर्निंग है, मतलब 80 से 82 हजार महीने के ये कमा रहे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई जॉब भी आपको इतना बड़ा अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगी। दोस्तों अब मैं आपको वो चैनल यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये चैनल का नाम है ओडली सेटिस्फाइंग। ये चैनल पर आप देख सकते हैं इनके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अगर हम इनके पॉपुलर वीडियो की बात करें तो 9 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन इस तरह के इनके व्यूज आते हैं। अब ये किस तरह के कंटेंट बनाते हैं मैं आपको एक कंटेंट यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप, ये बहुत आसान तरीके कंटेंट है। अब इस तरह के कंटेंट आप कैसे बना सकते हो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आप इस तरह के कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो डाउनलोड करने के लिए इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पर लिखना है सेटिस्फाइंग वीडियो। यहाँ पर जैसे ही आप लिखोगे आपके सामने इतनी सारी वीडियो आपके सामने यहाँ पर नजर आएगी। अब यहाँ से आपको एक वीडियो कोई भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेना अपने हिसाब से, जो भी वीडियो को आपको क्रिएट करना है। मैं यहाँ से एक वीडियो याली वीडियो डाउनलोड कर लिया हूँ, आप इसकी लिंक को कॉपी करके वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों अब वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको एडिटिंग करना है। अब इसमें मामूली सी छोटी सी एडिटिंग करना है, तो आपको एडिटिंग करने के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। तो चलो काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद इमेज एसेस पे आपको ओके करना है। यहाँ से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये बैकग्राउंड लेने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बड़ा कर लेना है। यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे मैं आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बड़ा कर लेंगे। ड्यूरेशन को बड़ा करने के बाद अब आपको वो वीडियो यहाँ पर ले आना है जो वीडियो आप वहाँ से डाउनलोड किए थे। तो आपको लेयर पर ओके करना है, मीडिया पर ओके करना है। अब वो वीडियो जहाँ भी आपकी है वो वीडियो को आप यहाँ पर ले आएंगे। अब वीडियो को लाने के बाद इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके यहाँ पर इस तरह से आपको लगा देना है। इस वीडियो को आपको यहाँ पर बड़ा करके लगा देंगे। ये वीडियो को आप यहाँ पर बड़ा करके लगा देंगे। अब ये वीडियो को मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। देखो इस तरह की ये वीडियो है। यहाँ पर एक लिक्विड है, ये औरत अपनी फिंगर से उस लिक्विड को प्रेस कर रही है। तो अभी ये वीडियो में यहाँ पर एक वॉइस है, तो इस वॉइस को आपको हटा देना है। आपको याद रखो आपको ये वॉइस हटा देना है। यहाँ पर आपको इसलिए ये सब काम करना है क्योंकि आपकी वीडियो पर कोई कॉपीराइट ना आए। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, इस मिक्सर वाले पे ओके करना है। यहाँ से ये वॉल्यूम के ऑप्शन पर इसको आपको कैंसिल कर देना, ऑफ कर देना यहाँ से। और आपको यहाँ से ऐसे कर देंगे इसमें से वॉइस आपकी हट जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करना है। आप ये सब काम आपको इसलिए करना है, अपनी वॉइस इसमें इसलिए रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना है। आपको वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर ओके करना है। रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर ओके करके आपको स्टार्ट पर ओके करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से वॉइस रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पर एक लिक्विड है, ये औरत अपनी उंगलियों से इस लिक्विड को प्रेस कर रही है, लेकिन उस लिक्विड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से आप कैसे भी आपके जो भी अकॉर्डिंग वीडियो है आप अपनी वॉइस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लोगे। इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद आप अपनी वॉइस को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि मेरी वॉइस जो है ये किड बन जाए, बच्चे लोग की ऐसी वॉइस बन जाए, क्योंकि ये सब ज़्यादा कंटेंट बच्चे लोग देखते हैं, बड़े भी देखते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे कंटेंट ये देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वॉइस चेंजर पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉइस नज़र आ जाएगी, आप यहाँ से कोई भी वॉइस को ले लेगो। देखो यहाँ पे फनी है, किड है। अगर आप किड पर ओके करोगे तो ये वॉइस जो आपकी है वो किड वाली बन जाएगी, यानी यहाँ पर आपकी वॉइस जो बच्चों की बन जाएगी। तो आपको यहाँ से वॉइस को भी सिलेक्ट कर लेना है, अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर लिए। अब आपको क्या करना है इसमें, एक काम, एक आपको बैकग्राउंड लगाना है। इसमें बैकग्राउंड लगाने से क्या होगा, आपकी वीडियो जो वो और अच्छी हो जाएगी, आपकी वॉइस भी रहेगी, बैकग्राउंड भी रहेगा। और आप इस तरह से सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, इस तरह से अपनी वीडियो को कस्टमाइज करोगे तो आपके चैनल पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को उठाकर डायरेक्ट यहाँ लाकर वॉइस हटाकर कोई भी बैकग्राउंड लगा के अगर आप वहाँ पर अपलोड करोगे तो हो सकता है उस पर कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी वॉइस को भी इसमें ऐड कर दोगे और एक अच्छा सी बैकग्राउंड लगा दोगे तो आपकी वीडियो पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो अब हमें इसमें एक बैकग्राउंड लगाना है। तो आपको यहाँ पर ऑडियो पर ओके करना है।
और यहाँ से आपको कोई भी जो आपके बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया हूँ, अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। ओके करना है ये बैकग्राउंड पर आप प्ले करते हो, इसमें आपको यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। प्रेस कर रही है लेकिन उस लिक्विड में। अब आप क्या करोगे कि अगर इसमें वीडियो में आपके बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा है तो आप अपने बैकग्राउंड के वॉल्यूम को कम कर सकते हो। तो आप अपने बैकग्राउंड के उस पर टाइमलाइन पर ओके करोगे, यहाँ से आप इस वॉल्यूम इन जो वॉल्यूम एनवेलोप है इस पर ओके करोगे, यहाँ से आप अपनी वॉइस को यहाँ से कम कर दोगे। आपको अपनी वॉइस को 35 कर लेना है, अब आपको 35 कर लेना है। इस तरह से आपको इस वीडियो को पूरा एडिट कर लेना है, बहुत आसान है। इसमें देख सकते हो आप कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ एक बैकग्राउंड लगाना है, फिर अपनी वीडियो को लेना है, वॉइस को रिकॉर्ड करना है, फिर वो एक यहाँ पर वॉइस बैकग्राउंड लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ से अपनी वीडियो को डाउनलोड करना है। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ ऊपर आयरो के ऑप्शन पर आपको ओके करना है, यहाँ पर सेव एज वीडियो पर आपको ओके करना है। आप जैसे ओके करोगे आपके सामने एक छोटा सी ऐड आएगा, आपको स्किप कर देना है, यहाँ पर आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लोगे।